प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। ये सभी कुछ ऐसी मशहूर सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आपने स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये सभ्यताएं एक समय में जिन जगहों पर आज हम रहते हैं वहीं एग्जिस्ट किया करती थी। इनके अपने पूरे के पूरे शहर हुआ करते थे, लेकिन कई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये सारे के सारे शहर मिट्टी के नीचे ऐसे के ऐसे ही दब गए और आज हम खुदाई में इनके निशान देखते हैं। ऐसी एक सभ्यता थी पोम्पेई, जो इटली के कॉम्यून नाम की एक जगह पर किसी समय में एग्जिस्ट किया करती थी। इटली के आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते समय इटली की इस सभ्यता में एक ऐसा इंसान मिला जो बदकिस्मती से इस पत्थर के नीचे बहुत ही बुरी तरह से दब गया और जान गंवा बैठा। मगर शायद उसकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। इतने बड़े पत्थर के नीचे दबकर भी इतने हजारों सालों तक वह ऐसे ही मिट्टी के नीचे दबा रहा, और जब इतने हजार सालों के बाद उसके कंकाल को निकाला भी गया तो उसका सिर गायब हो चुका था। इस साइट के ऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह आदमी उस समय इस बड़े से पत्थर के नीचे आ गया जब यह एक ज्वालामुखी के विस्फोट से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भाग रहा था, जो 79 AD यानी कि सन 79 में फटा था। इस कंकाल की ज्यादा गहराई से स्टडी करने पर पता चला कि उस समय इसे टीबिया यानी कि घुटनों के जोड़ों में भी इन्फेक्शन था, जिसके कारण इसे भागने में और भी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। इसी वजह से यह उस खतरे से तेजी से नहीं भाग पाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस पत्थर के नीचे यह आदमी आया है वो पत्थर से बने किसी बड़े दरवाजे का हिस्सा लगता है जो सीधा इसकी छाती पर इस तरह गिरा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इसका सिर नहीं ढूंढ पाए और उनका मानना है कि वो अभी भी इस बड़े से पत्थर के अंदर हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश है। अब आप यहाँ खुद सोच सकते हैं कि यह आदमी उस समय कितने दर्द से गुजरा होगा जब इस पर इतना भारी वजन आकर कुछ इस तरह से गिरा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट इसे इस सभ्यता के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने का एक अहम सबूत मान रहे हैं। उनका मानना है कि अभी तक इस सभ्यता के लोगों के बारे में जानने की खोज में यह एक लौता अपवाद है जो कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जमीन के नीचे दब गए थे। फिलहाल आर्कियोलॉजिस्ट ने लोगों को इसे देखने का मौका भी दिया जो हजारों साल पहले नष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि दुनिया को इस आधुनिक युग तक पहुंचने में कितना समय लगा और हमसे पहले ऐसी कितनी ही सभ्यताएं आकर चली भी गईं। दुनिया भर में ऐसी कई सभ्यताएं खुदाई में मिलती रहती हैं जो अपने ही अलग अंदाज और रीति रिवाज में जिया करती थी। इन्हें देखकर ये आसानी से कहा जा सकता है कि ये दुनिया हमेशा से ही विविधताओं का गढ़ रहा है, जहां हर जगह एक नई सभ्यता देखी जा सकती थी। लेकिन फिर वो ऐसे दुनिया को छोड़कर चली गई कि आज उनके निशान भी मुश्किल से मिलते हैं। कल न जाने कितनी ही ऐसी सभ्यताएं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और कल हम सबको भी इसे अलविदा कहना होगा, क्योंकि हर सभ्यता को प्रकृति ने एक निश्चित समय के लिए मौका दिया है और जब उनका समय पूरा हो जाएगा तो उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।